गुनाह करते वक्त आप किसी मोमिन या मुसलमान भाई के पास जाओ और कहो चलो आओ जिना करते हैं, चोरी करते हैं, तो क्या बोलता है उन्हें? उन्हें क्या जवाब देता है? कि अल्लाह देख रहा है। कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा। गुनाह करते वक्त अल्लाह देख रहा है तो क्या दुआ मांगते और नेकी करते वक्त अल्लाह हमको नहीं देख रहा, जो हम गैरों के पास जा रहे हैं आज? कहां अकल मारी गई? गुनाह करते वक्त अल्लाह हमको देखता है, सुनता है, तो जब हम उससे दुआएं करेंगे, उससे हाजत मांगेंगे, औलाद मांगेंगे, रिस्क मांगेंगे, तो वो नहीं सुनेगा? उसके लिए हमको वसीला चाहिए? ये कौन सी बात आ गई मेरे भाई, ये कौन सी बात आ गई? वही मोमिन, वही मुसलमान आज गैरों से मांगता है, कहता है वसीला चाहिए, वसीला तलब करो, वसीले के बगैर कुछ नहीं होता है। और वही मुसलमान अगर उसको बोलो चलो आओ जिना कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लो, कहते नहीं अल्लाह देख रहा है। वही मुसलमान और वही मुसलमान, ये दो फेस क्यों? जब अल्लाह हमको गुनाह के समय देखता है तो नेकी करते समय नहीं देखेगा? हम उससे हाथ उठा के भीख मांगेंगे तो वो हमारी दुआ को नहीं सुनेगा? आंखें खोलो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाइयों, आंखें खोलो, अभी भी टाइम है। ये मुल्ला मौलवी हो गया, कुरान हदीस को खोलो, खोलो कुरान हदीस को मेरे भाई, पढ़ो, जितना आता है उतना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं कि इसमें हम कम आता है, हमको नहीं आता, कोई शर्म नहीं है, हमको जितना आता है हम उतना पढ़ेंगे। अल्लाह के सामने खड़े होकर कह सकते हैं रब, या मेरे रब, हमने जितना हमें आता था हमने उतनी कोशिश की, हमारी मौत तौहीद पर आई है। अल्लाह अब आप जो करते बने, आपका जन्नत डालना जन्नत में, जहन्नम डालना अल्लाह आपके ऊपर। मैंने जितना कोशिश, कम से कम कोशिश तो किया, ये तो बोल सकते हैं ना, यही नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे जाके ऊपर? दुनिया के सारे काम किया, कुरान हदीस को नहीं पढ़ा। एक बार सोचो बैठ के,